मामी का मैजिक। चलिए आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स। सबसे पहले आप लीजिए एक बोल, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वूस्टर सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा लाइट सोया सॉस एंड थोड़ा सा रेड चिली सॉस। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ड्राइड गार्लिक, इसे हमने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है इसलिए ये पाउडर फॉर्म में है। थोड़ी सी देगी मिर्च, इससे कलर आएगा लेकिन जो मिर्ची होती है वो नहीं आएगी। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च एंड इसे हम मिक्स करेंगे थोड़े से तेल के साथ, क्योंकि हम बारबेक्यू चिकन विंग्स बना रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ये चिकन विंग्स खाते हैं रेस्टोरेंट में, वो थोड़ा शाइनी होते हैं, यू नो, उसके ऊपर एक शाइन आपको दिखती है, वो बेसिकली तेल की होती है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नींबू का जूस, लेट्स गिव इट अ डैश ऑफ नींबू, इससे विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाएगी एंड थोड़ा सा और हेल्दी हो जाएगा ये। बस इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन विंग्स एंड हम इसे इसके स्किन के साथ ही रखेंगे। इसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, सो वो विंग्स में जो क्रिस्पी टेस्ट आता है, उसका फील आता है, वो रहेगा। सेकेंडली जो अंदर का मीट है वो उसके जूसेस की वजह से टेंडर रहेगा। तो इन्हें आप इसके अंदर डाल दीजिए। आप चाहे तो चिकन विंग्स को एक रात पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी ये बनेगा। तो फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए इसे मैरिनेट करते हैं एंड थोड़ी देर साइड में रख देते हैं ताकि जूसेस अंदर तक चले जाएं। सबसे पहले मैं अवन को प्री हीट करके आती हूँ। हमें अवन को करीब 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्री हीट करना है। जस्ट अ मिनट। अब हम लेंगे एक फ्रेश डिश जो अवन में जा सकता है और उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस रखे हैं, चिकन विंग्स रखे हैं उन्हें, और जो बाकी का मैरिनेट बच जाता है उसे आप इसमें पोर कर दीजिए। चलिए अब हम डाल के आ जाते हैं इसे अवन के अंदर। अब अवन को मैंने प्रीहीट तो किया था 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अब जब मैंने चिकन विंग्स अंदर रखे हैं, मैंने टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, क्योंकि होता यह है कि जब आप अवन का डोर खोलते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमने इसे पहले थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में रखा है, उसके बाद इसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। तो आप करीब 150 डिग्री से लेके 190 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। अब इसे हम कुक होने देंगे करीब 15 से 20 मिनट तक। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कितना आसान था ना इसे बनाना, आपने नोटिस किया? बस थोड़े से सॉसेस मिलाए, थोड़ी सी सीजनिंग लगाई एंड अवन में डाल दिया और बारबेक्यू चिकन रेडी है। और जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो लगता था पता नहीं ये क्या करते हैं किचन में और किस तरह से इतना टेस्टी डिश हमें खिलाते हैं। चलिए ऐसा ना हो कि आपने कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दिया हो, तो फटाफट देख लीजिए इसका एक क्विक रीकैप। बारबेक्यू चिकन विंग्स बनाने के लिए एक बोल में एक से दो छोटा चम्मच वूस्टर सॉस, एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, एक चौथाई छोटा चम्मच हॉट पेपर सॉस, एक छोटा चम्मच सोया सॉस मिलाएं। अब इसमें एक छोटा चम्मच ड्राई गार्लिक, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच तेल और एक नींबू का रस डालकर मिलाएं। फिर 300 ग्राम चिकन विंग्स को बोल में डालकर मिक्सचर के साथ मैरिनेट करें लगभग 30 मिनट तक। अब इन्हें पहले से गर्म अवन में 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट तक पकाएं और अवन से निकालकर सर्व करें।